कांग्रेस ने स्टेट बैंक व कृषि उपज मंडी में धरना देकर सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रतलाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर बजरंगबली महाराज की प्रतिमा के समक्ष अर्धनग्न महिलाओं के द्वारा अश्लील नृत्य करवाए गए। इस प्रकार का कृत्य जनमानस को ठेस पहुंचाने का और हमारे सनातन संस्कृति व धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का एवं धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का कृत्य है, जिसका कांग्रेस कमेटी घोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी की उपरोक्त कृत्य के विरोध स्वरूप कृषि मंडी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विरोध स्वरूप मानसा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा तीनों ब्लॉक के संयुक्त तत्वाधान में मंडलम सेक्टर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस पार्टी के नेतानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं LICC के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस द्वारा आज SBI स्टेट बैंक का धरना दिया, किन मांगों को लेकर धरना दिया गया? केंद्र सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनासा द्वारा स्टेट बैंक और LIC के सामने एक सांकेतिक धरना दिया गया है। केंद्र सरकार के जो प्रधान है उन्होंने अपने मित्र लोगों को स्टेट बैंक और LIC से भारी मात्रा में कर्जा दिलाया है और उन्हीं मित्रों के कारण वो आज सत्ता में बैठे हैं। आज उन्हीं मित्रों का जो मार्केट वैल्यू है वो दिन पे दिन घटती जा रही है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ऑफ इंडिया का पैसा डूबने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। आपका नाम?